एज अ चाइल्ड आई लव टू प्ले विथ किचन सेट एंड मुझे बहुत दुख होता था, मैं बहुत रोती थी जब वो टूट जाते थे. सो आई वॉज थिंकिंग कुछ ऐसा बनाया जाए जो प्लास्टिक का नहीं हो, ताकि बच्चों से खेलें, वो डेंजरस भी नहीं हो, इको फ्रेंडली भी हो और मतलब ब्रेकेबल भी नहीं हो. तो आज हम बनाएंगे आमलेट स्टफ टॉय. बनाने के लिए आपको वाइट कपड़ा चाहिए. यहाँ पे मैं वाइट फेल्ट यूज़ कर रही हूँ, डबल करके कट कर रही हूँ ताकि टाइम बचे. सी थोड़ा मार्जिन ज़्यादा रखेंगे बिकॉज हमने सिलना है. ओके सो आप ब्लैक स्केच से मार्क कर सकते हैं या बाद में सीजर की हेल्प से कट कर सकते हैं, ये आपको ईजी रहेगा. ओके सो जब हम सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा, देखिए. सो नाउ वी हैव प्रिपेयर द वाइट पोर्शन ऑफ द आमलेट. अब ये बिल्कुल रेडी है. अब हम येलो पार्ट की तरफ चलते हैं. हमने इसे भी फोल्ड किया और हमने टू पीसेस ओवल शेप के कट करेंगे. सी इसके लिए आपको क्या करना है, किसी पेपर पे ओवल शेप को कट करना है, ठीक है. उसके बाद मार्कर की हेल्प से आप कपड़े पे येलो फेल्ट पे उसे बना सकते हैं ईजीली, सीजर से कट कर सकते हैं. और अब ये रेडी है. सी ईजी है ना. नाउ अब हम इसे आमलेट में पुट करेंगे. हम टू एग्स का आमलेट बना रहे हैं. फेविकॉल से हम पेस्ट इसलिए स्टार्टिंग में कर रहे हैं ताकि ये इधर उधर ना भागे. इसके बाद इसे और बेटर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कॉटन भी रखेंगे ताकि थोड़ा बल्ज सा दिखाई दे, और स्टिचिंग भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ नीडल एंड थ्रेड. स्टिचिंग के बाद कुछ इस तरीके का लुक आएगा. देखिए जो ये येल्लो पोर्शन है ना, ये क्या कर रहा है, थोड़ा बल्ज कर रहा है. क्यों, थोड़ा उभार है इसमें, इसलिए क्योंकि हमने इसके अंदर कॉटन फिल करी है और उसके बाद इसे स्टिच किया है. सी हेयर ना मिडिल पार्ट इज़ टोटली रेडी. ये जो येलो पोर्शन था हमने इसे प्रॉपरली अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है. ओके अब हम क्या करेंगे, जो हमने दो वाइट पीसेस कट करे थे उन्हें भी आपस में स्टिच करेंगे विद द हेल्प ऑफ निडल एंड वाइट थ्रेड. ओके सो स्टिचिंग वर्क करना है आपको यहाँ पे. आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा हल्का कॉटन भर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने एग को शेप देने में जो येलो पोर्शन है उसमें हमने कॉटन यूज़ कर लिया था, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ. स्टिचिंग के बाद अब ये टोटली रेडी है. आप इससे कितना भी खेल सकते हैं, ये प्लास्टिक टॉय की तरह ब्रेक नहीं होगा. आप हाईलाइट करना चाहें तो आप ब्लैक मार्कर या स्केच का भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आपके पास ज़्यादा फेल्ट है वाइट और येलो तो आप 3 एग का 4 एग का बना सकते हैं.